करते हैं खबरों की तरफ। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म टोंक नगर पालिका परिसर पहुंचे, जहां नगर पालिका अध्यक्ष दिलीप इसरानी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने राज्य गृह मंत्री का भव्य स्वागत किया। प्रभु श्री राम की स्मृति चिन्ह देकर माला साफा पहनाकर गृह मंत्री का स्वागत किया गया है। इस दौरान विधायक राम साहेब वर्मा का भी स्वागत किया गया। इस दौरान नगर पालिका परिसर गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। जयपुर में विद्युत वितरण निगम चेयरमैन आरती डोंगरा ने पावर हाउस का निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने पावर हाउस के साथ ही राम मंदिर ओल्ड पावर हाउस स्थित केंद्रीकृत कॉल सेंटर का भी निरीक्षण किया है। वहीं उपभोक्ताओं की बिजली संबंधी शिकायतों को संवेदनशीलता के साथ त्वरित निराकरण के निर्देश दिए हैं। कोटा जिले के रामगंज मंडी क्षेत्र की लाइफलाइन कहे जाने वाली ताकली बांध परियोजना लंबे इंतजार के बाद शुरू हो गई है। रविवार को पहली बार बांध के दो गेट खोले गए हैं। गेट खोलने की सूचना पर ग्रामीणों में खुशी का लहर भी दिखाई दी और इस दृश्य को देखने के लिए ग्रामीणों की भीड़ भी उमड़ पड़ी है, जिसके बाद सिंचाई विभाग अधिकारियों ने मशीनरी और गेट की विधिवत पूजन कर गेट नंबर 7 को और 10 मिनट बाद गेट नंबर 8 को भी खोला गया है। भराव क्षेत्र से अधिक जल भराव होने पर गेट नंबर 7, गेट नंबर 8 और 1-1 फीट खोला गया है, जिसमें 1100 क्यूसेक पानी की निकासी की गई है। पानी की निकासी ताकली नदी में हुई है, वहीं बीच में बनी नहरों में भी पानी भराव हुआ है, जिसे किसान सिंचाई में काम ले सकेगा। डॉक्टर अर्तिका शुक्ला ने रविवार सुबह अलवर जिला कलेक्ट्रेट का पद संभाल लिया है। उसके बाद उन्होंने अधिकारियों की मीटिंग भी ली है। पूर्व जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता शनिवार को एडीएम प्रथम वीरेंद्र वर्मा को चार्ज देकर रिवील हो गए थे। उसके बाद वीरेंद्र वर्मा ने रविवार को कलेक्टर आर्तिका शुक्ला को पदभार ग्रहण करवाया है। शुक्ला अलवर में यूआईटी सचिव और जिला परिषद सीईओ भी रह चुकी हैं। इसके बाद खैरतल तेजारा जिले में कलेक्टर के पद पर कार्यरत थी। उसके बाद उनका तबादला सूची में अलवर जिला कलेक्टर के पद पर स्थानांतरण हो गया है। जिला कलेक्टर डॉक्टर आर्तिका शुक्ला ने मिनी सचिवालय में बजट घोषणा 2024-25 क्रियान्वयन राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं के संबंध में समीक्षा बैठक लेकर निर्देश दिए कि घोषणाओं को कार्य योजना बनाकर समयबद्ध पूरा भी किया जाए। अलवर जिले का पदभार संभालने के बाद मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी कि राज्य सरकार के जो 24-25 की बजट घोषणाएं हैं उनको धरातल पे टाइम पे लाना और आधारभूत संरचनाओं की जितनी भी बहुत सारी घोषणाएं इस जिले के लिए की गई हैं उनका एज पर टाइमलाइन क्रियान्वयन करवाना। दूसरी मेरी एक प्राथमिकता रहेगी अलवर शहर का को विकसित करना, चाहे वो टूरिज्म हो, चाहे वो स्वच्छता सर्वेक्षण आगामी जो आने वाला है वो हो, या बाकी एक जो सौंदर्यीकरण होता है, एक जो शहर का लिवेबिलिटी इंडेक्स होता है वो मेरा एक फोकस रहे। और तीसरी मेरी फोकस रहेगा यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका को बढ़ाना, खासकर जो ग्रामीण अलवर है उसमें महिलाओं को और बच्चों को उनके स्वास्थ्य के इश्यूज हों, उनकी आजीविका हो, उनकी आय हो, उसमें वृद्धि लाना, इन चीज़ों पर मैं फोकस करूँगी। इसके साथ ही राज्य और केंद्र सरकार की सभी जो योजनाएं हैं उसमें अलवर को टॉप जिले पे रैंकिंग में लाना मेरी एक और आकांक्षा है। झालावाड़ झालरापाटन में कृषि उपज मंडी में भारतीय किसान संघ के महाराजा हरिश्चंद कृषि उपज मंडी झालरापाटन में चल रहे प्रांतीय अधिवेशन के दूसरे दिन रविवार को संगठनात्मक, रचनात्मक और आंदोलनात्मक गतिविधियों की समीक्षा की गई है। इस दौरान कई सत्रों को भारतीय किसान संघ के राष्ट्रीय महामंत्री मोहिनी मोहन मिश्र और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्रीय प्रचारक और भारतीय किसान संघ के पालक अधिकारी निम्बाराम ने संबोधित किया। प्रांत महामंत्री अंबालाल शर्मा ने प्रतिवेदन प्रस्तुत किए। दूसरे दिन की शुरुआत ध्वजारोहण के साथ की गई। इस दौरान फिर चलो गांव की ओर चलें, हमको फिर देश जगाना है, आओ मिलकर दशा सुधारें खेती और किसान की, यही घड़ी है मां भारत के वैभव के निर्माण की, समेत कई गीतों की प्रस्तुतियां दी गई हैं।
मोहिनी मोहन मिश्रा ने कहा कि कृषि को उन्नत किए बिना देश की प्रगति संभव नहीं है। किसान को खुशहाल करके ही देश को समृद्ध किया जा सकेगा। आज देश में बड़ी संख्या में खेती करने वाले किसान हैं, ऐसे में उनकी आवाज बनने के लिए भी किसान संगठन की आवश्यकता है। राजगढ़ उपखंड क्षेत्र में भारी बारिश के चलते पर्यटक स्थल झरना के पाल में दरार आ गई है और जमीन भी धंस गई है। सूचना पर राजगढ़ एसडीएम सीमा खेतान, तहसीलदार विनोद कुमार शर्मा, थाना अधिकारी रामजीलाल मीना मौके पर पहुंचे, जहां बांध में नहा रहे ग्रामीणों को बाहर निकाला गया, बांध को खाली करवाया गया। अधिकारियों ने क्षतिग्रस्त हुई दीवार और पालों का निरीक्षण कर मौके पर मुआयना किया है। थानाधिकारी रामजीलाल मीना ने बताया कि भारी बारिश के चलते झरना स्थल पर पुलिस के जवान लगाए गए हैं। तहसीलदार विनोद कुमार शर्मा ने बताया कि कालिशान ग्राम के अधीन झरना स्थल पड़ता है, जिसकी भारी बारिश के कारण चादर चलने लगी है, जिसके कारण पाल में कई जगह पर दरार आ गई है, जमीन धंस गई है। इनको सही करवाने के लिए सिंचाई विभाग, पंचायत समिति सहित संबंधित विभागों को सही करने के निर्देशित भी किया गया है। ग्राम पंचायत में गंदा बांध पड़ता है, कई दिनों से उसके ऊपर से चादर चल रही है। हमने पंचायत राज की ओर से जैन को भी निर्देश दिए और इधर उठी से इनको भी निर्देश दिए। उसके बाद में थोड़ा सा ये जो बांध गंदा बांध पड़ता है, ये फॉरेस्ट अभियान क्षेत्र में पड़ता है, तो इसकी स्थिति को हम देखते हुए रेंजर साहब से हमने परमिशन लेके पंचायत राज के जे एन हॉस्पिटल के जे एन दोनों को हमने निर्देश कर दिए। पंचायत हॉस्पिटल जो इनकी जमने की जो पार्ट छुट्टी हुई है उसकी मरम्मत करवा के और जिससे पब्लिक को राहत मिली। लगातार हो रही बारिश को देखते हुए और ये मसारी घाटी में जो झरना स्थल है, झरना में पानी की आवक तेज होने के कारण और जो पानी लगातार बह रहा है, सुरक्षा की दृष्टि से कि लोग नहाए नहीं और बहाव में नहीं जाए, इसके लिए लोगों को यहाँ समझाइश की गई है। आने जाने वाले जो भी लोग हैं उनको इस बारे में विशेष सख्त हिदायत दी है कि वो इस पानी में बहते हुए में नहीं जाए और सुरक्षा के लिए यहाँ जाप्ता भी तैनात। अलवर जिले के तिजारा सहित आसपास के इलाकों में भारी बारिश के कारण वार्ड 24 में साधुराम शेखावत के घर की दीवार अचानक से गिर गई है। हादसे के दौरान साधुराम शेखावत की पुत्रवधु रसोई में काम कर रही थी, तभी अचानक से दीवार गिर गई, जिससे महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है और घायल अवस्था में महिला को तिजारा अस्पताल में उपचार के बाद अलवर रेफर कर दिया गया। घटना की सूचना मिलते ही डीएसपी शिवराज सिंह और थाना अधिकारी सुहेल घटनाक्रम का जायजा लेने के लिए पहुंचे। उन्होंने ढहने वाले स्थान से दूर सतर्क और सावधानी बरतने की हिदायत दी है। मेरा नाम तो धर्मवती है, पर बहू का नाम नहीं है, प्रदीप की बहू। तो क्या कर रही थी? वो रसोई में काम कर रही। अच्छा, फिर? फिर अचानक से दीवार गिर गई। दीवार गिर गई? हाँ। ज्यादा चोट आई? हाँ, चोट है। फिर यहाँ लेके गए अलवर के लिए। मुझे सूचना मिली थी तिजारा के अहिंसा सर्किल इलाके में, अहिंसा सर्किल के कोने पर साधु सिंह के घर के बगल वाले प्लॉट में रात भर से हो रही अतिवृष्टि के कारण पानी इकट्ठा हो गया था और जिसके परिणाम स्वरूप उनके घर की दीवार ढह गई, एक मकान और एक रसोई वो भी नीचे ढह गया। उसी के अंदर काम कर रही उनकी पुत्रवधु जो थी वो तोड़ी हुई है, उसके हाथ में फ्रैक्चर है, कमर में लगी है, जिसको बाद तिजारा में प्राथमिक उपचार करने के अलवर रेफर कर दिया गया। अभी वो अलवर उंडावर उपखंड के समीपवर्ती प्रमुख आस्था का केंद्र शीतलदास आश्रम रैड़ागिरी धाम में शीतलदास वैदिक शिक्षण संस्थान में रविवार को 11 बच्चों का जनेऊ और उपनयन संस्कार कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस मौके पर आश्रम में हवन यज्ञ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्व बीजेपी जिला अध्यक्ष और ब्राह्मण समाज अलवर जिला अध्यक्ष पंडित धर्मवीर शर्मा रहे और मुख्य अतिथि पंडित धर्मवीर शर्मा ने कहा कि रैड़ागिरी धाम के स्वामी बालका देवाचार्य जी महाराज ने आश्रम में वेद शिक्षण संस्थान की स्थापना पर बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। उन्होंने कहा कि वैदिक शिक्षण संस्थानों में देश का युवा ब्रह्मचार्य आश्रम का पालन करते हुए देश का नेतृत्व करता था। प्राचीन काल में गुरुकुल में युवा श्रेष्ठ इंजीनियर, डॉक्टर, कलाकार और बनकर देश की सेवा कार्य करते थे। पंडित धर्मवीर शर्मा ने कहा कि गुरुकुल में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थी देश सेवा के प्रति समर्पित भाव से काम करें और अपने गुरु का सम्मान करें।
देवियों सज्जनों, इस समय हिंदू पर सनातन पर संकट का समय आया हुआ है। हमारी संस्कृति खतरे में है, संस्कारों पर आक्रमण हो रहा है, विदेशी संस्कार हमारे बच्चों को, जवानों को, देवियों को, सज्जनों को बिगाड़ रहे हैं। ऐसे समय पर हम सबकी चैतन्य रहने की और जागते रहकर औरों को जगाने की जिम्मेदारी है। राजगढ़ कस्बे के फतेहबुर्ज में दो अलग अलग मकानों में बारिश के चलते दो कमरे गिर गए हैं। गनीमत यह रही कि कोई जनहानि नहीं हुई है। मकान मालिक पवन जर्मन ने बताया कि लगातार बारिश के चलते फतेहबुर्ज स्थित उनके दो अलग अलग मकानों में दो कमरे गिर गए हैं, जिनमें रखा घरेलू सामान दब गया है। उन्होंने बताया कि गनीमत यह रही कि कोई बड़ी जनहानि नहीं हुई है। इसकी सूचना प्रशासन को दे दी गई है। वहीं बारिश के चलते टहला चौराहे पर दुकानों के नीचे बने अंडरग्राउंड में पानी भर गया है। मेरा नाम रोहन कुमार जयमन है, साईं बाबा का मंदिर। ये मकान पुराना था, ये बारिश बहुत तेज हो रही थी, इसकी वजह से रह गया सारा सामान था इसमें, वो सामान इसी में दब गया। अच्छा, और नीचे भी गाय का घर है, उसमें गाय बच रही थी, वो भी बच गई गाय तो क्या, और ये भी सारा ढह गया। ये रात को 1 बजे करीब मारवाड़ जंक्शन के मगरा क्षेत्र में लगातार 7वें दिन बरसात का दौर जारी है। अरावली के गोरम घाट में स्थित जोगमंडी झरना में तेज बहाव चल रहा है, जिसकी वजह से गोरम घाट से निकल रही फुलाद बांध की ओर से आने वाली नदियों में भी उफान देखा जा रहा। साथ ही फुलाद से यानी रिंगोर और कंडालिया बांधों से निकलने वाली नदियां भी पूरी गरज के साथ बह रही हैं। गोरम घाट के जोगमंडी वन चौकी तक पानी का बहाव देखा गया। वन विभाग की गाड़ियां तैरती हुई नजर आई। लगातार पानी के तेज बहाव, नदियों में उफान के मद्देनजर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। उपखंड अधिकारी गोरी शंकर शर्मा के निर्देश से नदी के बहाव क्षेत्र पर अतिरिक्त सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। मारवाड़ दक्षिण के बिछौड़ा कला गांव के सुखड़ी नदी में बहे युवक का अभी तक रेस्क्यू नहीं हो पाया है। एसडीआरएफ टीम 40 घंटे से लगातार सर्च ऑपरेशन भी चला रही है, तो वहीं स्थानीय पुलिस और स्थानीय गोताखोर की मदद भी ली जा रही है। मारवाड़ जंक्शन विधायक केसराम चौधरी, उपखंड अधिकारी गौरीशंकर शर्मा, मारवाड़ जंक्शन थानाधिकारी सरोज वैरवा के निर्देशन में रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है और नदी में तेज पानी का बहाव की वजह से रेस्क्यू में दिक्कतें भी आ रही हैं। वहीं घटनास्थल पर उपखंड प्रशासन सहित पुलिस बल रापता भी मौजूद है। आपको बता दें कि मारवाड़ जंक्शन के बिछौड़ा कला गांव के सुखड़ी नदी में बह युवक का अभी तक रेस्क्यू नहीं हो पाया है। एसडीआरएफ टीम 40 घंटे से लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है, तो वहीं स्थानीय पुलिस स्थानीय गोताखोरों की मदद भी ली जा रही। मारवाड़ जंक्शन विधायक केसाराम चौधरी, उपखंड अधिकारी गौरीशंकर शर्मा, मारवाड़ जंक्शन थाना अधिकारी सरोज बैरवा के निर्देशन में रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया जा रहा। नदी में तेज पानी का बहाव की वजह से रेस्क्यू में काफी ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं। उपखंड क्षेत्र में तेज बारिश के चलते बनेठा में मकान ढह गया है। मकान के ढहने से उसके नीचे घरेलू सामान भी खराब हो गया है। वहीं हादसे से परिवार पर संकट के बादल भी छा गए हैं। हालांकि गनीमत यह रही कि उस वक्त उस मकान पर कोई मौजूद नहीं था, जिसके चलते कई बड़ी जनहानि भी हो सकती थी। आपको बताते चलें कि हादसे से परिवार पर संकट के बादल भी छा गए हैं। हालांकि गनीमत यह रही कि उस वक्त उस मकान पर कोई मौजूद नहीं था, जिसके चलते कोई बड़ी जनहानि नहीं हुई है। मैं कल सायंकाल 5:30 बजे करीबन दरोगे नीचे बैठकर के खाना खा रहा था, तब अचानक मकान गिर जाने से एकदम पूरा मकान नीचे आ गया। मैं बाल बाल बचा, भग कर बाहर गया और यह हादसा मेरे साथ हो गया। पूरा टूट कर नीचे गिर गया।
लगातार बारिश होने से बारिश थम नहीं रही थी और ये जान माल का खतरा था, इस वजह से मैं भागकर बाहर निकल गया। अलवर जिले के मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र के सिलीबेरी बांध बलेटा में इस मॉनसून में अभी तक सर्वाधिक बारिश होने पर 10 फुट के करीब पानी आया है, जिसमें करीब आपको बता चले कि 2008 में भी ये बांध लबालब हुआ था। इसको लेकर क्षेत्र में लोगों में खुशी की लहर है। क्षेत्र की हिम्मत सिंह ने बताया कि इस बांध में एक गेट खुला हुआ है जहां से बहुत ज्यादा बारिश का पानी उसमें जा रहा है। दो दशक के अंतराल में इस बांध में पानी के भराव होने से सैकड़ों गांवों को लाभ होगा, जलस्तर बढ़ेगा। इसको लेकर किसानों में खुशी का माहौल देखने को मिला है। अलवर में आमजन के प्रिय लोक देवता योगीराज भरथरी का 3 दिवसीय मेला 9 सितंबर को से 11 सितंबर तक लगेगा, जिसको लेकर रविवार से ही भरथरी तपोभूमि पर लोगों का रंग जमने लगा है। रात्रि को भजन संगीत का कार्यक्रम श्रद्धालुओं के लिए किया जा रहा है। वहीं दूर दूर से श्रद्धालु यहां पर पैदल यात्री के तौर पर पहुंच रहे हैं। डीजे की धुन पर बाबा भरथरी के भजन भी गा रहे हैं। इसके साथ ही नाथ संप्रदाय के साधु यहां पर आने लगे हैं। योगी समाज के लोग यहां पर सारंगी बिन थाप और साथ ही मृदक पुंगी के साथ अपना कर्तव्य दिखा रहे हैं, जो इस राह से गुजरने वाले लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। आपको बताते चलें कि 9 सितंबर से 11 सितंबर तक 3 दिवसीय मेले का आयोजन किया गया। भरथरी तपोभूमि पर अब लोगों का जो रंग है वो भी यहां पर जमने लगा है। भजन संगीत कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां पर आप तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जो कि अलवर से हैं, जहां पर आमजन के प्रिय लोक देवता योगीराज भरथरी का 3 दिवसीय मेला 9 सितंबर से 11 सितंबर तक चलेगा। इसको लेकर रविवार से ही भरथरी तपोभूमि पर लोगों का रंग जमने लगा है। रात्रि को भजन संगीत का कार्यक्रम श्रद्धालुओं के लिए रखा गया। दूर दूर से श्रद्धालु यहां पर पैदल यात्री के तौर पर पहुंचे। डीजे के धुन पर बाबा भरथरी के भजन भी गाए हैं। बांसवाड़ा जिले और शहर में गणेश चतुर्थी पर भगवान गणपति का भक्तों ने भव्य स्वागत हर्षोल्लास के साथ किया है। जगह जगह भगवान गणेश के लिए पंडाल भी तैयार किए गए। शहर की खूबसूरती और भी ज्यादा बढ़ गई है। सुरक्षा की दृष्टि से अगर बात की जाए तो पुलिस प्रशासन की ओर से शहर और जिले में पुलिस जवान तैनात किए गए हैं। शहर में सुबह से ही गणेश मंदिरों में भगवान के दर्शन के लिए भक्तों का तांता लगा हुआ है। इसके बाद कई गणेश मंडलों ने ढोल नगाड़ों के साथ मुहूर्त पर गणेश प्रतिमाओं की स्थापना की है। भगवान गणेश की प्रतिमाओं को खरीदने के लिए बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी में अलग ही उत्साह देखने को मिला। भक्त सुबह से ही प्रतिमाएं खरीदने के लिए मूर्तिकारों के पास पहुंचते नजर आए। इसमें कहीं भगवान कृष्ण तो कहीं भगवान शिव के रूप में प्रतिमाएं बिकती नजर आई हैं। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जो कि बांसवाड़ा से हैं, जहां पर भगवान गणपति का भव्य स्वागत किया गया है। जगह जगह पर पूजा पंडाल लगाए गए और भक्तों का तांता सभी पंडालों पर नजर आया। साथ ही सुरक्षा के दृष्टि की अगर बात की जाए तो चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती की गई और साथ ही गणेश मंडलों ने जो है वहां पर ढोल नगाड़ों के साथ मुहूर्त से लेकर आपको बताते चलने की सभी गणेश प्रतिमाओं की स्थापना की मुहूर्त पर और भगवान गणेश की प्रतिमाओं को खरीदने के लिए बच्चों से लेकर बड़ों तक मार्केट पहुंचे थे। जयपुर विकास आयुक्त आनंदी ने जेडीए परिसर का दौरा कर अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए हैं। इस दौरान जेडीसी ने भी अधिकारियों को निर्देश दिया कि जीडीए भवन में आंतरिक परिसर के नवीनीकरण कार्य के तहत कुछ स्थानों पर रिकॉर्ड को सुव्यवस्थित और सुसज्जित रूप से रखने के निर्देश दिए गए। इसी के साथ जेडीसी ने भी अधिकारियों को साफ सफाई का विशेष ख्याल रखने की हिदायत दी। साथ ही नागरिक सेवा केंद्र का दौरा भी किया और आने वाले आमजन की सुविधाओं का ध्यान रखते हुए निर्देश दिए गए। इस दौरान मौके पर निदेशक अभियंत्रिक प्रथम अतिरिक्त आयुक्त प्रशासन उपायुक्त प्रशासन और अन्य संबंधी अधिकारी भी उपस्थित रहे हैं। खबर जयपुर से है, जहां पर डिस्कॉम चेयरमैन और जयपुर विद्युत वितरण निगम की प्रबंधन निदेशक आरटी डोंगरा ने शनिवार को
ढोटवाड़ा पंचायत समिति के शिवसिंहपुरा में भी आपको बता चले कि गांव के पीएम कुसुम कंपोनेंट सी योजना के तहत स्थापित सौर ऊर्जा संयंत्र और इससे जुड़े 33 केवी ग्रिड सब स्टेशन का अवलोकन किया है। डोगरा ने इस दौरान कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा दे रही है। इसके माध्यम से कृषि उपभोक्ताओं को दिन में बिजली प्रदान की जा सकेगी। उत्पादित बिजली का स्थानीय स्तर पर उपयोग होने से विद्युत की शीतलत में भी कमी आएगी। वहीं डोगरा ने यहां पर सोलर पावर जनरेट ओरिएंटल सेल्स और कॉरपोरेशन की तरफ से करीब 8 बीघा भूमि पर स्थापित 2.30 मेगावाट के सौर ऊर्जा संयंत्र को देखा है। संजौर जिले के रानीवाड़ा स्थित स्वामी आत्मानंद सेवा संस्थान वात्सल्य धाम में उपखंड स्तरीय बालिका प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसका पूर्व विधायक नारायण सिंह देवल की मुख्य अतिथि और बीजेपी जिलाध्यक्ष श्रवण सिंह राव की अध्यक्षता में आयोजन किया गया। समारोह में अतिथि के रूप में अतिरिक्त मुख्य कार्याधिकारी और कार्यकारी अधिकारी विशाल सीपा और साथ ही CDPO सुरभि चौहान, भीनमाल जीएसटी के सहायक आयुक्त ओम प्रकाश बिश्नोई, ब्लॉक चिकित्सक अधिकारी डॉक्टर गणपतलाल पटेल ने शिरकत की है। और संस्थान के अध्यक्ष पागल राम पुरोहित ने अतिथियों का माला पहनाकर स्वागत किया। कार्यक्रम के भावश्रह भीनमाल जीएसटी के सहायक आयुक्त ओम प्रकाश बिश्नोई ने बताया कि कक्षा 10वीं और 12वीं में 85% से अधिक अंक प्राप्त करने वाली 135 बालिकाओं को चांदी का सिक्का, स्कूल बैग और प्रशस्ति पत्र देकर अतिथियों के हाथों से सम्मानित किया। साथ ही कार्यक्रम में भाग लेने वाली बालिकाओं और आगंतुक मेहमानों के लिए स्वरुचि भेज लगाकर यहां पर आयोजन भी किया गया है। राजगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत एक युवक ने शराब के पैसे नहीं मिलने के चक्कर में अपनी 62 साल की मां का गला काट दिया है। जानकारी के अनुसार नवलपुरा निवासी एक युवक आदतन शराब का आदी है, जो कि दोपहर अपनी मां से शराब के लिए पैसे की मांग कर रहा था। जब मां ने बेटे को पैसे देने के लिए मना कर दिया तो उसने आवेश में आकर अपनी मां पर धारदार हथियार से गला काट दिया है। वहीं घर से दूर करीब 500 मीटर तक चीख पुकार करती हुई सड़क पर वहां पहुंची, तब गांव के लोगों ने महिला को आनंद फानंद में मालाखेड़ा अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने महिला की हालत गंभीर देखते हुए अलवर के रेफर कर दिया है। अभी महिला की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसका उपचार अलवर जिला अस्पताल में किया जा रहा है। इसके बच्चे ने काट रहा है, महिला के क्यों काटा है? पैसे मांगता है इसे दारू के लिए। आज ही काटा है महिला, आज ही काटा है। करीब दो बजे आपको कैसे बता देना? हमने तो सो रहा था, मेरे घर का रोड पर पुकार रही थी ये। हाँ, बहुत जिक्र पब्लिक हो रही, बहुत मान लीजिए मैं खड़ा बन जाएगी। गला कट रहा पड़ा थी था वहाँ जब इसको फोन कर रहे। उपखंड मुख्यालय पिस्तांगन में रपट पर अंधेड़ के बहने के मामले में आपको बदल चले कि अंधेरे के चलते रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया है, लेकिन आज सुबह जब एक बार फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया तो इसको लेकर थानाधिकारी विक्रम सेवावत ने बताया कि अजमेर के अलवर गेट थाना अंतर्गत धोला भाटा निवासी 60 साल के बजरंगलाल जोशी अपने दो मित्रों के साथ बाइक पर सवार होकर कस्बे के तेलीवाड़ा मोहल्ला निवासी बेटियों से मिलने के लिए जा रहे थे। इसी दौरान कस्बे के मलियावास रोड पर भैरूजी बांध से आते हुए पानी के तेज बहाव में उनकी बाइक बंद हो गई। बंद बाइक को लेकर उसके दोनों दोस्त आगे बढ़ गए, लेकिन बजरंगलाल जोशी पानी के तेज बहाव के कारण बह गए हैं। ग्रामीणों की मदद से अंधेरे की तलाश शुरू की गई, लेकिन सफलता नहीं मिली है। तलाशी के दौरान ही अजमेर से SDRF और सिविल डिफेंस की टीम पहुंचे, रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। अंधेरा होने के चलते रेस्क्यू ऑपरेशन बंद करना पड़ा। वहीं आज दोबारा से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिली है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।